हेलो गाइस, दुकान पकोड़े की और बातें करोड़ों की। यार ये कहावत मैंने बचपन में सुनी थी और ये कहावत मुझे कुछ चीजों पर सच होते हुए नजर आती है। मतलब बॉलीवुड के अंदर कुछ ऐसे वाहियात डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये हरकतें करी हैं। जी अगर कुछ अच्छा देखने का मन है ना तो बने रहना वीडियो में। मेरा नाम है कैडी और आप देख रहे हैं कैडी बॉलीवुड। हेलो गाइस, क्या हाल है। तो बात इधर उधर ना घुमाते हुए मैं बताता हूँ आपको एक ऐसे डायरेक्टर के बारे में जिसने एक लड़की से कहा मेरा प्राइवेट पार्ट छू ले। जी हाँ, वो लड़की खुद बयान दे रही है। पहले ये देखो आप। अचानक अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता, बोलता कि डू यू वांट टू टच इट, फील इट। अच्छा 10 में से कितने नंबर दोगे? देख लिया आपने, ये डायरेक्टर है साजिद खान, फराह खान का भाई। वही बोंदल सा डायरेक्टर जैसे बरसात में गोबर फूल जाता है ना, इस तरह से जो फूला हुआ डायरेक्टर है साजिद खान। ये बंदा इतना वाहियात डायरेक्टर है, इसके खिलाफ किसी एक बंदे ने खाली इंटरव्यू नहीं दिया या कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हुई इसके खिलाफ। बहुत सारी लड़कियों के साथ ही ने ऐसा किया, इसकी ये हरकतें सामने आई है। काफी सारी लड़कों ने निकल के स्टेटमेंट दिए कि साजिद खान इंटरव्यू के बहाने उनसे अजीब अजीब सवाल और अजीब अजीब हरकतें करता है। मतलब मैं तो सिर्फ इस बंदे से एक ही बात कहना चाहूंगा, इसकी मौत का भोला चेहरा। हाँ भाई, मैं यही बात तुझसे कहना चाहूंगा क्योंकि तू इसी के लायक है यार। तुम ऐसी जगह पर पोस्ट पर बैठे हो, लड़कियां छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे शहरों से हीरोइन बनने जाती है, एक सपना लेकर जाती है, तुम उनके साथ करते क्या हो? मुझे नहीं लगता अपरिचित फिल्म में तेरे जैसे बंदे के लिए क्या सजा है, कुंभ पाकम पाकम कुंभ, मुझे नहीं पता। बहरहाल दुनिया में तेरे जैसे बंदे के लिए एक ही सजा है कि तुम जैसे बंदों का बायकॉट होना चाहिए। तुम जैसे लोगों की फिल्में इस तरह से फ्लॉप होनी चाहिए जैसे कि कुत्ता दूसरे मोहल्ले में घुस जाता है ना, वो पूंछ घुसाकर फिर दूसरे मोहल्ले के कुत्ते उसे भौंक भौंक के गांव के कोने तक छोड़कर आते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा ही कोई सीन होना चाहिए। तुम्हें मुंबई से ऐसे ही निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए क्योंकि तुम इसी के लायक हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों की फिल्में बिल्कुल भी नहीं देखा करें। पैसों के चक्कर में इंसानियत बिल्कुल भूल चुके हैं और बॉलीवुड के अंदर तो किसी पर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। बॉलीवुड वो कीचड़, वो दलदल, वो पखाना, मतलब वो टट्टी है ना जिसमें पैर संजाए आप धोने पर भी बदबू जिंदगी भर नहीं जाती। ये लोग बिल्कुल निहायती कीचड़ में धंसे हुए हैं। तो भाई अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा लाता रहता हूं।